गाइस, आज है जन्माष्टमी का दिन और मम्मी कर रही हैं प्रिपरेशंस सारे प्रसाद बनने की। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रेडी हो गया है। तो ये बाल भोग तैयार है यहाँ पे हमारा, और ये पंजीरी के लिए मेवा सारी रोस्ट हो चुकी है, तल लिए मम्मी ने, और यहाँ पे तल नहीं रही है। क्या कर रही हैं आप? रोस्ट कर रही हैं, और यहाँ पे चबे भी बना लिए हैं। बाल भोग बन गया है, बाल भोग वगैरह सब तैयार है। तो आज आपका व्रत है क्या? यस। ओके, भूख तो नहीं लगी? नहीं। मम्मी के हाथ में भी बहुत दर्द है गाइस, फिर भी काम कर रही है मम्मी, जो झाड़ू महिला। मम्मी को किसी और से काम कराना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मम्मी कर रही थी सफाई, मैंने सोचा इतनी देर में मैं कर लेती हूँ, मंदिर को अच्छे से साफ और सेट कर देती हूँ इससे। और अब देखिए तड़ा, तो ये था मेरा कुछ मंदिर का लुक जो मैंने प्यारा सा सजा दिया था, और माला और ये जो हरियाली मैंने लगा दी है, इसने तो चार चांद लगा दिए हमारे मंदिर में। आहा। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी पंजीरी भोग के लिए, और ये तो भाई इतनी हेल्दी होती है कि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, और गुड़ की बनती है। मम्मी यहाँ बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, और साथ में बनने वाली थी अरबी। सब लोगों को बहुत पसंद है हमारे यहाँ अरबी। तो अब भगवान जी की बारी है नहाने की। तो यहाँ पे पंचामृत बन रहा था, जिसमें सबसे पहले मम्मी ने शहद डाला, फिर डाली है दही, उसके बाद डाल रही हैं बूरा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, और फिर डालना है हमें ड्राई फ्रूट्स। तो भाई इन्हीं के ठाट हैं। तो लड्डू गोपाल को मैंने झूला भी झूला दिया, उसके बाद सारा काम निपटा के हम लोग पहुंच गए मंदिर, और मंदिर में हो रहे थे रंगारंग कार्यक्रम। मम्मी
आ गए हैं लौट के मंदिर से। और ये देखो एक बच्चे का चुरा लाया है, कोई बच्चा छोड़ गया था अपना तो ये चुरा लाया है। किसके लिए लाया? मैं हैप्पी के लिए लेके आया हूँ, टुक टुक के लिए उठा लाया है। तो करीब 11:30 बजे हम लोग आ गए थे क्योंकि रात का पूजन करती है मम्मी 12 बजे की पूजा। और यहाँ पे प्रसाद की थाली पूरी रेडी है, यहाँ पे सारे भोजन रखा हुआ है, भोग लगाने की चीज़ें रखी हुई हैं, मक्खन मिश्री हो गया आपका, जबे हो गए, चरणामृत हो गया, कसाड़ हो गया, और ये था खाना जो भोग में लगना था और फल थे कुछ। तो आइए देख लेते हैं, छोटे से कान्हा जी को मम्मी ने बिठाल दिया ये नार वाले खीरे में। तो 12 बजे इसमें से मम्मी निकालती हूँ, फाइनली 12 बज गए। तो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हमारे बीच आ गए हैं छोटू से लड्डू गोपाल। तो फाइनली इनका जन्म हो गया था और मम्मी इनको उसमें से निकालने के बाद आरती करने की तैयारी कर रही थी और भोग लगाने की तैयारी कर रही थी। तो भोग में सबसे पहले मम्मी ने लगाया चरणामृत का और सारे भगवानों को चढ़ाते हुए ये फिर एक एक करके सारे भोग लगाए भगवान को। बारह बजते ही कृष्ण जी को हमने झूला दिया झूला, वरना रोने नहीं लगते हैं वहाँ करके। और देखिए आगे यू भी हमारा छोटा नन्ना काना बना था जो कितना क्यूट लग रहा है। तो प्लीज़ देखिएगा और नज़र मत लगाइएगा, देखो मगर प्यार से। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।